क्या आपको पता है टेस्ला कंपनी को एक बार बर्गर्स भी बेचने पड़े थे? कैसे? 2008 में जब टेस्ला ने अपनी पहली कार्स लॉन्च करी थी, इलेक्ट्रिक कार्स, तो यूएस में चार्जिंग स्टेशंस बहुत ही कम थे, जिसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स उनकी कार्स को रिटर्न कर दिया करते थे। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला एलन भैया ने। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे नए चार्जिंग स्टेशंस तो बनाए, उसी के साथ में हर चार्जिंग स्टेशन के पास एक रेस्टोरेंट ओपन करवा दिया जहां पर बर्गर वगैरह मिलते थे। तो इससे क्या हुआ, जो कस्टमर्स थे वो खुश हो गए, उनका जो चार्जिंग का काम था वो तो हो ही जाता था, साथ में वो थोड़ा खाना पीना भी साइड में कर लिया करते थे, जिससे कि टेस्ला को एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होने लगा। तो इस तरह एलन मस्क ने अपने डूबते हुए बिजनेस को बचा लिया। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फॉलो करो फिनसिंपल को और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो।